नीलोखेड़ी के गांव पटबाला में हाल ही में रोड समाज की दो HCS क्लियर करने वाली रोड समाज की दो बेटियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नीलोखेड़ी ब्लॉक समिति के अध्यक्ष, प्रतिनिधि और समाज सेवी व युवा नेता प्रवीण डाबरथला मौजूद रहे। इस मौके पर रोड समाज द्वारा चुनी गई दोनों बेटियों का मान सम्मान किया गया और उन्हें रोड बिरादरी का गौरव कहा गया। इस अवसर पर प्रवीण डाबरथला ने बेटियों को शुभकामनाएं दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। हरियाणा सिविल सर्विस में चुनी गई दोनों रोड समाज की बेटियों ने अपनी सफलता के पीछे मेहनत, संघर्ष, परिवार की सपोर्ट को सबसे महत्वपूर्ण बताया। थैंक यू बोलना चाहूँगी सबको, इतना मान सम्मान जिससे इतना हौसला बुलंद हो रहा है कि आगे भी कुछ करके दिखाना है। इतनी पोस्ट पे ये हो रहा है, अगर हम IAS कर जाते हैं तो इसके लिए थैंक यू। और स्ट्रगल तो हर उसमें होते ही है, एकदम से किसी को कुछ नहीं मिलता है, गिरना पड़ता है, संभलना पड़ता है। बस इतना ही मैसेज कि ड्रीम डिसाइड करके उसके लिए फोकस्ड होकर जीना है। जैसे मुझे लाइन बोली जाती थी कि अर्जुन को सिर्फ आँख दिखती थी, तो अपने उस टारगेट को उस आँख की तरह ही देखना है कि हाँ, एक मछली की आँख हमें या चिड़िया की आँख फोड़नी है। क्या कहना चाहेंगे, जो आपने जो पढ़ाई की है स्कूल में किया, कॉलेज में किया, क्या आपके जो अध्यापक अध्यापिका रहे हैं उन्होंने भी आपको कभी ऐसे कहा है भी आप एक दिन उनसे पद पर जाओगे, कभी ऐसा कहा? हाँ किसी जी, मेरे सर छोटू राम पब्लिक स्कूल गोइया में टीचर थे, तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को कहा कि ये लड़की बोर्ड के लिए रोकना नहीं है, जहाँ तक ये पढ़ना चाहे पढ़ाना है। बिरादरी का नाम ऊंचा किया, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे तो बहुत सारे संघर्ष देखने के बाद ही यहाँ तक आ पाई हूँ। इससे पहले भी मैंने मतलब कुछ उपलब्धियाँ हासिल की थी, बट ये है कि पर मुझे यही था कि मुझे यही सिविल सर्विस की तरफ जाना है, तो मैं अपना इसी तरफ अपना डेडिकेटेड होके इसी तरफ कम्प्लीटली फोकस किया और इसी की तैयारी की। दो तीन बार आपको पहले भी नौकरी मिली, उसको क्यों छोड़ दिया आपने? मुझे बस यही था कि मुझे लगा सिविल सर्विस की तरफ जाना है, और अगर एक तरफ मतलब अपने आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना है तो अपने आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए मैंने वो अपनी नौकरियाँ मतलब छोड़ दी और रिस्क लिया।